देखिए, हार्ट हमारी बॉडी में पाए जाने वाला अकेला ऐसा ऑर्गन होता है जो कि लगातार 24 घंटे बिना थके काम करता रहता है। इसका मुख्य कार्य है हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना होता है एक निश्चित दाब के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे शरीर के बाकी सभी अंग भी प्रभावित होते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि यदि हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम होती है या होने वाली होती है तो हमारी बॉडी क्या क्या साइन शो करती है, जिससे आप अपने हार्ट की हेल्थ को जान सकेंगे। तो हार्ट प्रॉब्लम का पहला संकेत है एक्सट्रीम फैटिक। देखिए, वैसे तो आमतौर पर कोई कार्य करने के बाद सभी को थकान होती है, पर यदि आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान होने लगे जो कि काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे, तो ऐसा हार्ट में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर या फिर वाल्वुलर हार्ट डिसीज़। इसके बाद हार्ट डिसीज़ का दूसरा साइन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि हमारी सांस का धीरे धीरे चलना या फिर हमारा सांस का फूलना। देखिए, जब हम तेज़ दौड़ लेते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है या फिर हम सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, पर यदि थोड़ा सा चलने पर या हल्के से मूवमेंट से ही हमारी सांस फूलने लगे तो यह भी हार्ट डिसीज़ का एक साइन हो सकता है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ आदि। इसके बाद हार्ट डिसीज़ का तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है स्लिप एपनिया या फिर स्नोरिंग। देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग एंड ब्लड फ्लो का रेट बदल जाता है, पर ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें रात में सोते समय अचानक से उनका सांस आना बंद हो जाता है या फिर वे तेज़ तेज से खर्रांटे लेने लगते हैं, तो ऐसा अक्सर एरिथमिया के कंडीशन में देखने को मिलता है। इसके बाद हार्ट डिसीज़ का अगला साइन है स्वेलिंग। देखिए, जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वह ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाते, जिससे हमारे पैरों में या फिर हमारे एंकल्स में सूजन आ जाती है। पैरों में सूजन आने के कई और कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको इसकी जांच करानी चाहिए। यहाँ पर हार्ट डिसीज़ का अगला साइन है चेस्ट डिस्कम्फर्ट और एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है हमारे सीने में दर्द होना। इसमें पेशेंट के छाती में काफ़ी टाइटनेस रहती है और दर्द भी रहता है और उसे वहाँ पर काफ़ी भारीपन भी लगता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके सीने पर कोई भारी वस्तु रखी हुई है, तो यह भी हार्ट प्रॉब्लम का एक इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। इसके बाद है हार्ट रिदम एंड रेट चेंजेस। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी हार्ट बीट रेगुलर नहीं है, मतलब कभी तेज हो जाती है और कभी धीरे, तो इसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। इसमें पेशेंट को काफ़ी घबराहट भी महसूस होती है और अचानक से बैठे बैठे उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, तो यह भी हार्ट डिसीज़ का एक साइन हो सकता है। और यहाँ पर हार्ट डिसीज़ का आखिरी साइन है परसिस्टेंट कफ, मींस लगातार खांसी का बने रहना। कई बार हमें हार्ट डिसीज़ की वजह से लगातार खांसी आने लगती है। जिनका हार्ट फेल हो जाता है तो उन लोगों के लंग्स में फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, जिससे उन्हें लगातार खांसी आने लगती है और सीटी जैसी आवाज़ भी आती है। तो हार्ट की प्रॉब्लम में मुख्यतः इस प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं। यदि आपको ये संकेत देखने को मिल रहे हैं और आप उसका कारण नहीं जान पा रहे हैं तो आपको एक बार जाँच जरूर करानी चाहिए। तो हो सकता है कि आपको हार्ट की कोई समस्या हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।